स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने एक रिपोर्ट क्रिएट की थी यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड एंड वी आर ऑन द प्रीव्यू। ठीक है, हम प्रिंट प्रीव्यू व्यू में हैं इस टाइम। ओके, नाउ क्लोज दिस प्रिंट प्रीव्यू एंड देन यू कैन सी द अनदर व्यूज ऑफ द रिपोर्ट। नाउ क्लोज दिस प्रिंट प्रीव्यू फ्रॉम हियर एंड वेन एवर यू क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कुछ टैब्स अपीयर हो जाएंगे ऊपर रिबन में, दैट इज फॉर्मेट, अरेंज एंड पेज सेटअप, फ्रॉम वेयर यू कैन सेटअप द पेज ऑफ द रिपोर्ट एंड यू कैन ऑल्सो फॉर्मेट द रिपोर्ट। नाउ इन फॉर्मेट टैब द वेरी फर्स्ट वन कमांड इज यू व्यू। फ्रॉम हियर यू कैन सी द वेरियस व्यूज ऑफ द रिपोर्ट। हाँ जी, व्यू के रिपोर्ट के कौन कौन से व्यू होते हैं? रिपोर्ट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, लेआउट व्यू एंड डिजाइन व्यू। बच्चे, फ्रॉम डिजाइन व्यू यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट। देखो, डिजाइन व्यू से आप रिपोर्ट के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। डिजाइन व्यू में कौन कौन से आपके रिपोर्ट के सेक्शन होते हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज रिपोर्ट हैडर। नाउ दिस इज योर रिपोर्ट हैडर, means this section contains the information that generally appears on the cover page. जो भी cover page के ऊपर logo आता है, title आता है, date आती है and it appears at the top of the each page. That is report header. Next is page header. Page header contains the information that is to be displayed on the top of the report. ठीक है, अब जैसे आपको roll number, name और ये सब चीजें डिस्प्ले करनी है। नेक्स्ट इज योर डिटेल्स, दिस इज वेयर यू प्लेस द कंट्रोल्स। जो आपने ये रोल नंबर, नेम और मार्क्स को डिस्प्ले करना है, जो भी डिटेल्स डिस्प्ले करनी है, जैसे रोल नंबर में क्या क्या रोल नंबर्स डिस्प्ले करने हैं, नेम में क्या नेम्स डिस्प्ले होंगे, एवरीथिंग इज इन द डिटेल सेक्शन। नेक्स्ट इज पेज फुटर, फुटर रेफर्स टू द एंड ऑफ द पेज। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पेज If you want to print page number or total number of page, then you can give in the page footer. And last is your report footer. So, our report section is divided into various sections. The very first one is report header, detail, page footer and report footer. Now, next, from here you can change the design of the report. जैसे आपने form में डिजाइन चेंज किया था विद द हेल्प ऑफ फॉर्म डिजाइन व्यू, सिमिलरली यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट यूजिंग दिस डिजाइन व्यू। नेक्स्ट इज योर लेआउट व्यू। ठीक है, लेआउट व्यू में आप रिपोर्ट का व्यू चेंज कर सकते हैं, मींस यू कैन चेंज द लुक और फील ऑफ द रिपोर्ट। फॉर दिस क्लिक ऑन द लेआउट व्यू। फ्रॉम हियर यू कैन चेंज द लुक एंड फील ऑफ द रिपोर्ट। लाइक इन लास्ट ग्रुप देर इज ऑटो फॉर्मेट। इफ यू वॉन्ट टू चेंज द लुक्स ऑफ द रिपोर्ट, यू कैन सिंपली चूज अ फॉर्मेट फ्रॉम हियर। हाँ जी, जैसे ही आप फॉर्मेट चूज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। एंड इफ यू वॉन्ट टू एड सम लोगो और टाइटल और पेज नंबर, वट एवर यू वॉन्ट टू एड इन द रिपोर्ट, यू कैन एड फ्रॉम द कंट्रोल्स ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉर्मेट टैब। हाँ जी, इस तरह से आप फॉर्मेट टैब में से कंट्रोल्स को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट व्यू इज योर रिपोर्ट व्यू। मतलब ये रिपोर्ट एक्चुअल में आपकी कैसे दिखेगी, वो आप रिपोर्ट व्यू में देख सकते हैं। ओके, सो दीज आर द वेरियस व्यूज दैट आर प्रेजेंट इन द प्रेजेंट इन MSSS फॉर रिपोर्ट्स। नाउ नेक्स्ट, ये तो हमने सीखा कि हाउ टू क्रिएट अ रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड एंड हाउ मेनी व्यूज ऑफ अ रिपोर्ट। हाँ जी, हाउ मेनी व्यूज ऑफ अ रिपोर्ट? रिपोर्ट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, लेआउट व्यू एंड डिजाइन व्यू। नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ रिपोर्ट बाई यूजिंग द रिपोर्ट टूल। उसके लिए क्लिक ऑन द क्रिएट टैब एंड फ्रॉम द रिपोर्ट्स ग्रुप क्लिक ऑन द ब्लैंक रिपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट फॉर विच यू वॉन्ट टू क्रिएट द रिपोर्ट। जैसे मैंने स्टूडेंट टेबल पे क्लिक किया एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन द क्रिएट टैब एंड फॉर रिपोर्ट ग्रुप्स क्लिक ऑन द ब्लैंक रिपोर्ट। बच्चे, एक बिल्कुल ब्लैंक रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें कुछ नहीं है, बट इफ यू वॉन्ट टू मेक, आप क्या करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू मेक अ रिपोर्ट ऑन द स्टूडेंट टेबल,
जैसे ही आपने स्टूडेंट टेबल पे क्लिक किया था, राइट हैंड साइड में फील्ड लिस्ट आ जाएगी विच डिस्प्लेस ऑल द फील्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्टूडेंट टेबल. नाउ यू जस्ट इनमें से जो भी फील्ड्स आप अपनी रिपोर्ट में ऐड करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन दैट फील्ड, होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग ऑन टू द रिपोर्ट एरिया. इन दिस वे दिस इज योर लेआउट व्यू. हम करंटली कौन से व्यू पर हैं? लेआउट व्यू में. अगर हम डिजाइन व्यू पे होते तो वो स्ट्रक्चर क्रिएट करता हुआ दिखाता. अगर मैं इसी को शिफ्ट कर लूंगी डिजाइन व्यू में तो वो इस तरह से दिखाएगा कि आपने ड्रैग किया है. सिमिलरली यू कैन ड्रैग द अनदर वन नेम, ठीक है, एंड देन इट विल एड अ नेम. यू कैन ऑल्सो चेंज इट्स टू द लेआउट व्यू. ओके, हाँ जी, नेम ऐड कर दिए हमने. ओके, नेम पे क्लिक किया एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप हियर. इन दिस वे यू कैन ऐड द नेम्स. इफ यू वांट टू ऐड मार्क्स इन द रिपोर्ट, जस्ट क्लिक ऑन दिट, होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, ड्रैग एंड ड्रॉप हियर. ओके, आफ्टर दैट यू कैन क्लिक फ्रॉम द कंट्रोल्स ग्रुप, यू कैन ऐड द टाइटल. क्लिक ऑन द टाइटल, हियर यू कैन गिव द रिपोर्ट टाइटल. सपोज द रिपोर्ट टाइटल इज स्टूडेंट डेटा. ओके, student data. In this way you can add a report title and you can also format this report title by using the font groups present under the format tab. हाँ जी, मैंने इसको select किया bold, underline and center align it and you can move this control also. आप इस control को क्या कर सकते हैं? Move भी कर सकते हैं on in the center of the page. And after that, if you want to add any logo, you can add. Okay, and if you want to add the grid lines, you can also add the grid lines. Okay, so you can change the views, and in this way you can create a report by using the report tools. सेम वैसा ही है जैसे आपने विजार्ड के थ्रू क्रिएट किया था, उसमें स्टेप बाय स्टेप अपने आप क्रिएट करता जाता है. हेयर यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप द फील्ड्स ऑन द रिपोर्ट एरिया एंड यू कैन ऑल्सो फॉर्मेट द रिपोर्ट यूजिंग द ऑटो फॉर्मेट प्रेजेंट इन द फॉर्मेट टैब. ओके, यू कैन चेंज द फॉर्मेट फ्रॉम हेयर. इन दिस वे यू कैन क्रिएट द रिपोर्ट इन एमएस एसेस. सो नेक्स्ट इज, one option is left, click on the create button if you want to make a quick report. ठीक है, आपको बहुत जल्दी जल्दी रिपोर्ट क्रिएट करनी है, कोई ऑप्शन पूरे टेबल की रिपोर्ट क्रिएट करनी है, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस रिपोर्ट बटन. ठीक है, दिस क्रिएट्स अ बेसिक रिपोर्ट ऑफ द डेटा इन द करंट क्वेरी और टेबल. क्लिक हियर, इट विल मेक अ रिपोर्ट. एंड सिमिलरली फ्रॉम द फॉर्मेट टैब यू कैन फॉर्मेट इट. सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट दिस यूनिट. आज हमारा ये यूनिट खत्म हो गया, दैट यूनिट नेम एज योर डेटा बेस. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट, हाँ जी, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट थर्ड, आईसीटी स्किल्स. नाउ यू हैव टू सॉल्व द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर गिवन ऑन द पेज नंबर 445.